ये ईरेडर शेयर एक पैटर्न वाइज मूव कर रहा है, ये पैटर्न पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर ये आज है 4 अक्टूबर 2024, तो आज का ट्रेडिंग सेशन में ईरेडर शेयर का आप देख सकते हो ये जो पैरेलल वाइज में ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने का कोशिश किया। चलो मैं यहाँ पर दिखाने का कोशिश करता हूँ। तो आज का ट्रेडिंग सेशन में एक बेयरिश कैंडलस्टिक के साथ 222 इसी लेवल पे ये शेयर स्टे कर रहे हैं। तो आज का ट्रेडिंग सेशन में मैं देखता हूँ कि ये जो मैं स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया इसको क्रॉस कर पाया कि नहीं। चलो यहाँ पर मैं वन डे टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक आप देख पा रहा हूँ। चलो मैं यहाँ पर 1 आवर कैंडलस्टिक ले लेता हूँ। देखो यहाँ पर 1 आवर कैंडलस्टिक अगर लेते हो ना, तो आप देख पा रहे हो कि ये शेयर ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करके स्टे हो गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर इस ईरेडर शेयर में गिरावट होता है ना, तो ये 214 इसी लेवल पे आ सकता है, इससे नीचे नहीं जा सकता है, क्योंकि ये ईरेडर शेयर एक पैटर्न वाइज मूव कर रहा है, ये पैटर्न पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर ये 214 इस लेवल को क्रॉस करके स्टे हो जाता है। तो इसका जो प्रीवियस हाई है वो है 214, ये जो सपोर्ट एरिया मैंने ड्रॉ किया इस लेवल पे ये शेयर आ सकता है। और मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ, पहले ये जो इसका पीवीएस हाई था इसी लेवल पे ये शेयर आया था, मगर स्टे नहीं हो पाया, सिर्फ आया था। देखो यहाँ पर इस लाइन को एक बार टच किया था, उसके बाद इसका एक अपर मूवमेंट आप देख सकते हो। तो हो सकता है कि ये जो शेयर है, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके स्टे हो गया, तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है कि यहाँ पर 214 जो सपोर्ट लेवल मैंने ड्रॉ किया, इस सपोर्ट लेवल को टच करके अपर मूवमेंट आपको दिखा सकता है। कैलकुलेशन के हिसाब से यही होना चाहिए ईरेडर शेयर में, क्योंकि ये एक पैटर्न वाइज मूव कर रहा है, उसी पैटर्न को फॉलो करके मैं ये सारा कुछ बोल रहा हूँ। सो आज चलते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द कोई नया वाला वीडियो में। तो टुडेज़ होके टेक केयर, गुड बाय, टाटा।